तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान के मैं चाह रहा हूँ कि रिलेशंस डिस्कस करें, उसके बाद हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ जाएं, क्योंकि हमने कोई 31-32 के करीब रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि हमने सारी की सारी कवर करनी है, 33 ऑलमोस्ट। ये क्यों नहीं चल रहा? अच्छा चलें स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के रिलेशंस को हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे, यूएसए के साथ, इंडिया के साथ और चाइना के साथ और ईरान के साथ। हेलो, तो आगे स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के रिलेशंस, पाकिस्तान के और जो यूएसए के रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए हैं वो बकायदा तौर पे 20 अक्टूबर 1947 से हमारे रिलेशंस का आगाज हुआ है। पाकिस्तान जब यूएन का मेंबर बना है तो वो 30 सितंबर 1947 को यूएन का मेंबर बना है। पाकिस्तान कब मेंबर बना है जी? जी 26 नहीं, पाकिस्तान 30 सितंबर या सर ये किसी क्यों नहीं चल रहा? नहीं कुछ नहीं चल रहा, बस इसको चेक करें जरा। हाँ जी, अभी हम रिलेशंस को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस और नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को मैं एक एक करके डिस्कस करूंगा। पहले वो कर लें कि ये कर लें? चलें रिलेशंस करते हैं। तो 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान बाकायदा तौर पे यूएन का मेंबर बना और अक्टूबर में हमारे बाकायदा तौर पे यूएस के साथ रिलेशंस इस्तवार हुए, यानी कि एस्टेब्लिश हुए। यूएस के साथ कब हुए? अक्टूबर की 20 को हमारे रिलेशंस बकायदा तौर पे इस्टेब्लिश हुए, कश्मीर वॉर से कुछ 7-1 दिन पहले हमारे बकायदा तौर पे यूएसए के साथ रिलेशंस इस्टेब्लिश हुए। उसके बाद यूएसए, चूंकि उस वक्त कोल्ड वॉर चल रही थी, यूएसएसआर और अमेरिका के दरमियान दो मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज प्रिवेल कर रही थी, एक तरफ कैपिटलिज्म थी दूसरी तरफ सोशलिज्म थी। ये दोनों एंटी आइडियोलॉजीज हैं। कैपिटलिज्म अमेरिका में थी, कैपिटलिज्म का मतलब ये होता है कि फ्री मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है? फ्री मार्केट इकोनॉमी, और स्टेट का कोई रोल नहीं होता, मार्केट्स को रेगुलेट करने में, ठीक है जी, प्राइसेस को फिक्स वगैरह करने में, ये वो। और जो कैपिटलिज्म होता है उसमें आप प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ओन कर सकते हैं, उसमें स्टेट भी होती है, उसमें क्लासेस भी होती हैं, डिफरेंट क्लासेस, पुअर क्लास, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, क्योंकि पैसा होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट होता है। जो सोशलिज्म होता है, सोशलिज्म में ये कम्युनिज्म एक आइडियोलॉजी थी जो कार्ल मार्क्स ने दी थी। कम्युनिज्म में कार्ल मार्क्स ने कहा था कि कम्यून की गवर्नमेंट होगी। किसकी गवर्नमेंट होगी? कम्यून की गवर्नमेंट होगी और ये क्लास लेस और स्टेट लेस सोसाइटी होगी। स्टेट लेस सोसाइटी होगी, क्या होगी? स्टेट लेस और क्लास लेस सोसाइटी होगी। स्टेट लेस का मतलब है कि कोई स्टेट नहीं होगी उसके अंदर। स्टेट का मतलब क्या है? कि कोई स्टेट नहीं होगी और कोई क्लास भी नहीं होगी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, नो ऑनरशिप ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी का कोई कंसेप्ट नहीं होगा। जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट ही नहीं होगा, ना तो आप लैंड अक्वायर कर सकते हैं, ना आपके पास पैसा है, ना कुछ है। मींस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो सारे के सारे वो स्टेट कंट्रोल करेगी, यानी कि कम्यून की गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, तो आपके पास तो कुछ होगा नहीं, फिर कहेगी क्लासेस, राइट? तो कम्युनिज्म ये आपका होता है। कम्युनिज्म आज तक पूरी दुनिया में कहीं पे एक्सरसाइज नहीं किया जा सका, ये एक आइडियोलॉजी है। और इससे जो दूसरी आइडियोलॉजी निकली है उसको कहते हैं हम सोशलिज्म। क्या कहते हैं? सोशलिज्म में स्टेट होती है लेकिन जो मींस ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो कौन कंट्रोल करता है? स्टेट। मींस ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय स्टेट इन सोशलिज्म। इसमें थोड़ा बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी कंसेप्ट होता है, जिस तरह चाइना में डेंग ज़ियाओपिंग, उनका एक वाइस प्रेसिडेंट आया था 1978 में, तो उसने कुछ रिफॉर्म्स करने की कोशिश की थी। अच्छा, और डेंग ज़ियाओपिंग ने बहुत सारी रिफॉर्म्स लेकर आया जिसमें उसने सोशलिज्म में एक अच्छी खासी नरमी लेकर आया था। और अब चाइना में सोशलिज्म में क्लासेस भी एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि उसने थोड़ा बहुत प्राइवेट प्रॉपर्टी का ओनरशिप का कंसेप्ट दे दिया, बट स्टिल मींस ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल्ड बाय द स्टेट। उसके अगेंस्ट है, जब ये वर्ल्ड वॉर टू एंड हुई थी और ये यूएन बनी थी, और वर्ल्ड वॉर टू के एंड पे यूरोपियन कॉलोनियलिज्म भी खत्म हो गया हुआ था। वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो यूरोपियन कॉलोनियलिज्म था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया हुआ था। यूरोप ने कॉलोनाइज करना बंद कर दिया था पूरी दुनिया को। आपने देखा होगा पाकिस्तान ने भी तभी आजादी हासिल की वर्ल्ड वॉर टू के फौरन बाद, इधर इंडिया को भी उन्होंने आजाद कर दिया। अफ्रीका के अंदर जो उन्होंने
कॉलोनीज बनाई हुई थी वो भी खत्म कर दी, कनाडा के अंदर 1867 में ही खत्म कर दी, अमेरिका में 1776 में खत्म कर दी थी, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी खत्म कर दी थी। तो ये वर्ल्ड वॉर टू के आफ्टर मैथ थे। वर्ल्ड वॉर टू में जो दो अलाइड पावर्स थी, एक यूएसएसआर, यूएसएसआर आपका एस्टेब्लिश हुआ है 1922 में, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स, ठीक है जी। और ये 1945 के बाद जब ये बर्लिन वॉर के ऊपर इनके आपस में जर्मनी के ऊपर इनकी आपस में लड़ाई हुई अमेरिका की और यूएसएसआर की, और जर्मनी के दो टुकड़े करके वेस्ट जर्मनी चला गया यूएसएसआर के पास और जो ईस्ट जर्मनी था वो चला गया था अमेरिका के पास। तो यहाँ पे इनके दरमियान ये जो आइडियोलॉजी की जंग थी वो स्टार्ट हुई, क्योंकि यूएसएसआर के अंदर जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन आई थी वो 1917 में आई थी, दैट वाज इकोनॉमिक कम पॉलिटिकल रेवोल्यूशन, इकोनॉमिक भी थी पॉलिटिकल भी थी दोनों थी। और ठीक है जी, इन दोनों आइडियोलॉजीज का आपस में टकराव हुआ, उसके इम्पैक्ट पाकिस्तान के ऊपर कैसे पड़े, अब मैं वो यूएस के साथ रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत आपको पीछे वाला कंसेप्ट देके कि जी इस तरह से इन दोनों के दरमियान जो बड़े आपस में साथी थे वर्ल्ड वार टू के, उन्हीं के दरमियान आपस में लड़ाई पैदा हो गई। अब पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन था कि किसके पास जाना चाहता है, आइदर यूएसएसआर या फिर यूएसए के पास। तो पाकिस्तान चूंकि वॉज डिक्लेयर्ड एज अ सिक्योरिटी स्टेट बिकॉज पाकिस्तान वॉज हैविंग कंसिस्टेंट थ्रेट्स फ्रॉम हिज ईस्टर्न नेबर इंडिया, तो पाकिस्तान के जो ईस्टर्न नेबर है इंडिया उसकी तरफ से हमें कंटिन्यूस थ्रेट थे। और आपको पता है मुस्लिम कंट्री में अफगानिस्तान वो वाहिद कंट्री था जिसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट नहीं किया। जब पाकिस्तान इस्टेब्लिश हुआ सबसे पहले ईरान ने किया था, और अफगानिस्तान वो वाहिद मुल्क था इसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट ही नहीं था किया ड्यूरेंट लाइन के इशू के ऊपर, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। अब लियाकत अली खान चूंकि प्राइम मिनिस्टर बने, कादिज्म की जो पॉलिसी थी, कादिज्म चूंकि वो डेमोक्रेटिक आदमी थे, इनलाइटेंड आदमी थे, और सोशलिज्म तो वो उनको कभी भी नहीं चाहते थे, वो तो एक डेमोक्रेटिक और सेक्युलर काइंड ऑफ कंट्री चाहते थे। उनकी 11 अगस्त की स्पीच में भी लिखा हुआ है, ठीक है जी, के सेक्युलर नॉर्म्स होंगी, डेमोक्रेटिक नॉर्म्स होंगी। सेक्युलर का मतलब ये, उसने कहा तमाम रिलीजन जितने भी रखते हैं उन सबको मजहबी आज़ादी हासिल होगी, हिंदू हर हिंदू अपने मंदिरों में जा सकता है, चर्च में ये ईसाई जाएंगे और मुसलमान मस्जिदों में जाएंगे, उनको मुकम्मल रिलीजियस फ्रीडम होगी। उसके बाद इस्लामाइजेशन हुई। अब लियाकत अली खान के पास ये ऑप्शन था कि किसके पास वो जाना चाहता है। लियाकत अली खान ने पहले यूएसएसआर ने इसको ऑफर दी, ये नहीं गया, अमेरिका ने इसको ऑफर दी, अमेरिका के पास ये चला गया, क्योंकि अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कोल्ड वॉर चल रही थी और अमेरिका को थ्रेट था कि कहीं ये जो यूएसएसआर है कहीं अपने इन्वेजन सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया में ना करना शुरू कर दे, इसलिए उसको पाकिस्तान जैसे कंट्री की सख्त जरूरत पड़ी। तो यूं लियाकत अली खान ने अमेरिका पहला विजिट किया जो कि रहा 9 मई से 26 मई तक ये रहा था, 9 मई से 26 मई तक लियाकत अली खान का फर्स्ट विजिट रहा था, कहां पे, अमेरिका में 1950 में, 9 मई से 26 मई 1950। यहां से हमारे बकायदा तौर पे जो फॉर्मल रिलेशनशिप थे, फॉर्मल रिलेशन थे, वो बकायदा तौर पे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन में इमर्ज हुए। 1954 के अंदर पाकिस्तान और यूएसए में एक के दरमियान एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। ये मैं आपको मोटी मोटी बता रहा हूं चीजें जो एमसीक्यूज में आ सकते हैं। 1954 में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ। पाकिस्तान सीटो और सेंटो का मेंबर बना, पहले सीटो पाकिस्तान ने पहले सीटो ज्वाइन किया 1954 में और सेंटो को ज्वाइन किया 1955 के अंदर। ये सीटो और सेंटो क्या थी? सीटो बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन सीटो 1954 और साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद जो सेंटो है इसको बगदाद पैक्ट भी कहते हैं और ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था। क्या था? सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या बगदाद पैक्ट भी इसको कहते हैं, बगदाद पैक्ट।
क्योंकि ये बगदाद में साइन हुआ था इराक में जी 1955 को, सेंटो को ज्वाइन किया, सीटो को 1954 में ज्वाइन किया। अब सीटो और सेंटो को ज्वाइन करने का बुनियादी मकसद ये था कि भाई पाकिस्तान बकायदा तौर पे जो यूएसए था उसका अलाय बन गया। और ये यूएसए ने क्यों बनाए थे दोनों के दोनों सीटो सेंटो? सीटो इसलिए बनाई थी ताकि साउथ ईस्ट एशियन के अंदर जिसके दो कंट्रीज थे थाईलैंड और फिलिपीन इसके मेंबर थे, ठीक है जी, इनके इनके अंदर यूएसएसआर अपनी इंपीरियलिज्म ना करे या इन्वेजन ना करे, एक इसलिए, और दूसरा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि जो सेंट्रल एशिया है और जो वेस्ट एशिया है उसके अंदर ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये जो रशिया है अपनी इन्वेजन ना करे, ठीक है जी, ये इसलिए यूएसए ने बनाए थे ये जो दोनों के दोनों सीटो और सेंटो थे, ठीक है जी। उसके बाद 1959 में अमेरिकन प्रेसिडेंट ड्वाइट डी आइजनहावर ने यहां पे विजिट किया पहला, ड्वाइट डी आइजनहावर 1959 में वो आया अयूब खान के दौर में, ड्वाइट डी आइजनहावर, मैं लिख देता हूँ, डी डी आइजनहावर भी कहते हैं इसको, डी डब्ल्यू आई जी एच टी, ड्वाइट डी आइजनहावर। इसने विजिट किया 1959 में। अब आप देखें यूएसए जो डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है वो यहाँ पे आके अयूब खान यानी कि मार्शल लॉ चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे था उसको आके विजिट कर रहा है। वजह सिर्फ वजह ये थी कि कोल्ड वॉर चल रही थी उन दोनों की आपस में, इसलिए पाकिस्तान को उसका, उसने यहाँ पे आया और उसने अयूब खान से कहा कि हमें अड्डे चाहिए, हमें नेवल बेसिस चाहिए, आप हमारी हेल्प करें, हमें दें। अयूब खान नो नहीं कह सकता था। अयूब खान ने 1959 के एंड पे बाकायदा तौर पर उनको अड्डे देना फराहम किए, नेवल बेसिस। नेवल बेसिस देने के फौरन बाद 1960 में मई में एक इंसिडेंट हुआ जिसको आप U2 इंसिडेंट कहते हैं, 1 मई को हुआ 1960 को। ये पेपर में आ सकता है कि जो U2 इंसिडेंट है ये कब हुआ, U2 इंसिडेंट 1960 1 मई जी। U2 इंसिडेंट कब हुआ? बड़ा बेर पिशावर एयरबेस, पिशावर एयरबेस के बिल्कुल पास ही बड़ा बेर एयरबेस था, वहां पे बकायदा तौर पे एक प्लेन उड़ा, अमेरिकन प्लेन था, स्पाई करने के लिए गया हुआ था यूएसएसआर की, और यूएसएसआर वालों ने उसको पकड़ के मार गिराया, पायलट को उन्होंने जेल में बंद कर दिया, और जो उसका त्यारा था उसको उन्होंने पकड़ लिया, ठीक है जी। तो यूं 1960 में पाकिस्तान के और यूएसएसआर के जब पता चला, उन्होंने पता चला जी पाकिस्तान से उड़ा है, तो इनके आपस में हालात बड़े खराब हो गए पाकिस्तान के और यूएसएसआर के, और इंडिया के भी और उनके भी, सॉरी अमेरिका के भी और यूएसएसआर के भी आपस में बड़े हालात खराब हो गए, ठीक है जी। तो ये भी एक इंसिडेंट हुआ है हिस्ट्री के अंदर। उसके बाद जुलाई 1961 में अयूब खान ने विजिट किया अमेरिका का, पानी, जुलाई 1961 में अमेरिका में विजिट किया लियाकत अपना अयूब खान ने 1961 में, उसकी बेगम भी थी साथ अयूब खान की। ठीक है, इस विजिट में बकायदा तौर पे अयूब खान को वेलकम किया गया रेड कारपेट पे। आप देखते हैं उसकी वीडियो पुराने दौर की, जॉन एफ कैनेडी को यूं यूं कर रहा होता है, नहीं देखिए ना, बाबा पाकिस्तान के उनके बड़े अच्छे खासे रिलेशन थे। उसके बाद आगे की तरफ आते हैं, 1965 की जब वॉर होती है तो यूएसए ने कभी हमें सपोर्ट नहीं किया, उल्टा हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी थी अमेरिका ने। हम देखते रहे कि वो हमें कब बैरी बेड़ा भेजे और यानी कि कोई जहाज वगैरह भेजे, और यूं हमारा हम इंडिया के साथ वो जंक्शन लड़े, लेकिन उसने बजाय पाकिस्तान के ऊपर बजाय साथ देने के पाकिस्तान के ऊपर एम्बार्गोस लगा दी, सैंक्शंस वगैरह लगा दी। फिर उसके बाद जो है वो भुट्टो का दौर आता है, ये बेसिकली 11 से 19 जुलाई 11 to 19 जुलाई 1961 में उसका दौरा था, जो अयूब खान का दौरा था, कब 11 जुलाई से 19 जुलाई 1961 में था उसका विजिट। नीरज चावला कह सकते हैं,
अच्छा यही वजह थी क्योंकि पाकिस्तान ने अपना क्लब बना लिया। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी देखेंगे बड़ी बैलेंस रही है, वो यूएसएसआर आज भी यूएसएसआर के यानी कि रशिया के अगेंस्ट नहीं बोल रहा यूक्रेन वाला इंसिडेंट, हालांकि उसके अच्छे रिलेशन हैं यूरोपीय यूनियन के साथ, अमेरिका का वो अलाइड अलाय है, एंड स्टिल ही इज नॉट कंडेमिंग रशिया। ठीक है जी। अच्छा उसके बाद 1965 की वॉर हो गई, उसके बाद आता है भुट्टो का दौर। जब यहाँ पे भुट्टो का दौर आता है तो एक प्रेसिडेंट था उसने 1967 के अंदर भी विजिट किया था और उसका नाम था लंडन बी जॉनसन। लंडन बी जॉनसन LYNDON, लंडन बी जॉनसन JOHNSON जॉनसन जी। 1967 के अंदर विजिट किया उसने और उसके बाद ये इस्लामाबाद। उसके बाद रिचर्ड निक्सन आया, उसने 1969 में विजिट किया। जॉनसन ने विजिट कब किया था? 67 में जॉनसन ने किया था और 69 में जो है वो आपका रिचर्ड निक्सन ने किया था, रिचर्ड निक्सन। आगे चलें। भुट्टो का जब दौर आया तो भुट्टो जो निक्सन था ना वो भुट्टो को बड़ा लाइक करता था, लेकिन जैसे ही निक्सन की गवर्नमेंट खत्म हुई और जिमी कार्टर आया अमेरिका के अंदर, जिमी कार्टर की गवर्नमेंट आई, तो जिमी कार्टर भुट्टो को शदीद किस्म का सख्त नापसंद करता था और उसने यहाँ पे आके भुट्टो को ये भी मैसेज दिया था बकायदा तौर पे कि भुट्टो साहब आप सोशलिज्म की तरफ ना जाएं, ठीक है जी, हाँ वरना हम आपको एक एग्जाम्पल बना देंगे, ठीक है जी, तो हिस्ट्री में जो कि हिस्ट्री याद रखेगी, और भुट्टो के साथ वही हुआ था। जिमी कार्टर 76। उसके बाद जिया का दौर शुरू होता है, ये यहां से एमसीक्यू थोड़े थोड़े बहुत आपके आ जाते हैं। उसकी लीडरशिप स्किल्स की वजह से कुछ लोग होते हैं जो अपने मुखालफिन को भी लाइक कर रहे होते हैं क्योंकि वो बड़े लिबरल माइंडसेट के होते हैं, बड़े एक्सेप्टिव लोग होते हैं, मतलब एक्सेप्ट कर रहे होते हैं दूसरों को, लेकिन कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं, अपने दुश्मनों को लाइक नहीं करते। इसकी वजह ये थी कि ये सोशलिज्म को बहुत हद तक लाइक करता था। इसने दो विजिट रशिया के किए और दो विजिट चाइना के किए भुट्टो ने, और यहाँ पे भी उसने नेशनलाइजेशन की जो पॉलिसी अडॉप्ट की थी भुट्टो ने, उसने बड़ा इकोनॉमिक सेटबैक दिया था पाकिस्तान। 21 इंडस्ट्रीज को भुट्टो ने नेशनलाइज कर दिया था जी। यस। उसके बाद आगे चलते हैं जी। नाइन जिया का दौर आता है। जब जिया का दौर आया तो जैसे ही जिया का रूल आया, जिया ने कहा मैं 90 दिन के लिए हुकूमत बनाऊंगा, लेकिन वो 11 साल से पहले वो गया ही नहीं। उसकी रीजन ये थी कि अमेरिका उसको प्रॉपर सपोर्ट करता रहा। क्यों सपोर्ट करता रहा? क्योंकि यूएसएसआर ने अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई कर दी थी, इन्वेजन कर दी थी। हुआ ये था कि अफगानिस्तान में दो बादशाह थे, यानी कि दो, एक प्रेसिडेंट था और दूसरा प्रेसिडेंटशिप का उम्मीदवार था। एक का नाम था खल्क खान, सॉरी दाऊद खान। दाऊद खान की पार्टी जो थी वो खल्क पार्टी थी, और एक था नूर खान तरकई जिसकी परचम पार्टी थी। नूर खान तरकई और दाऊद खान, इन दोनों की आपस में टसल हुई। दाऊद खान वॉज द प्रेजिडेंट, नूर खान तरकई इन्वाइट, उसने ही वॉज प्रो सोशलिस्ट, और जो दाऊद खान था ही वॉज प्रो कैपिटलिस्ट। नूर खान तरकई इन्वाइटेड यूएसएसआर, उसने कहा भाई जान और अटैक करो और मुझे गवर्नमेंट लेके दो। उन्होंने कहा ठीक है। 24 दिसंबर 1979 को, 24 दिसंबर 1979 को यूएसएसआर ने बकायदा तौर पे अपनी ट्रूप्स भेज दी अफगानिस्तान में। जी 79। मारिया व्हाट इज द रीजन फॉर दैट व्हाई पाकिस्तान कुड नॉट हैव बैलेंस फॉरेन पॉलिसी लाइक इंडिया? इंडिया स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है, पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी नहीं है। पाकिस्तान का एक ही मसला है, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। जहां पे पाकिस्तान देखता है कि पैसा है उस क्लब में चला जाता है। अब आप ये देखें कि जो पाकिस्तान है वो सऊदी के क्लब में है इस टाइम। सऊदी किसके क्लब में है? अमेरिकन क्लब में। सऊदी उसको एड देता है पाकिस्तान को। अमेरिका के बगैर हम सस्टेन इसलिए भी नहीं कर सकते क्योंकि हम सारा ये वॉर हेड्स वाला ये वो जितना कुछ भी कुछ होता रहे,
जंगी साजो सामान ये भी हम अमेरिका से करते रहे परचेज। अमेरिका से हमारी तकरीबन $6 बिलियन की ट्रेड भी होती है हर साल, ठीक है जी, जो कि रशिया के साथ शुरू हिस्टोरिकली है ना, हमने हिस्ट्री में अपने आप को बैलेंस किए ही नहीं है। खैर आगे चलते हैं। ये जब अफगान सोवियत वॉर हुई तो ये जाके खत्म हुई 1988 में। ज़िया को इस टोटल वॉर में तकरीबन कोई $3.5 बिलियन दिए गए उस वक्त, $3.5 बिलियन। और ज़िया ने यहाँ पे मदरसों के बच्चों को जिहादी बनाना शुरू कर दिया था, और ज़िया ने यहाँ पे मस्जिद ये जो मदरसा है आपका कोड़ा खटक मौलाना समीउल हक वाला ये वो, यहाँ पे मुजाहिदीन इनको भेजना शुरू कर दिया था। ये बात याद रखें कि अफगानिस्तान में वहाँ पे सिर्फ तालिबान नहीं थे बल्कि मुजाहिदीन होते थे और अलकायदा होती थी जी। यस, इस पूरे टेन्योर में जी। हाँ तो हमने यूएसए की वो वॉर लड़ी है ना, यूएसए में सपोर्ट करता रहा, उसको ये डर था कि कहीं रशिया पाकिस्तान तक ना एक्सेस कर जाए, फैल ना जाए आगे तक। और हम गलत कहते हैं कि वो गर्म पानी तक रसाई चाहता था, ये अफगानियों ने उनको खुद बुलाया था, वो खुद नहीं आए थे अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में आते तो वो पहले ही आ चुके होते, ठीक है जी, अफगानियों ने खुद उन्हें बुलाया था। आप थोड़ा पढ़ के देख लें, आपको वो लाल टोपी नहीं है क्या नाम है उसका, इसको लाल टोपी पहनता है, और नहीं वो नहीं जायद हामिद क्या नाम है उसका, वो एवं ही लोगों को जो है ना इस तरह के मीडिया के ऊपर बैठ के माइंड सेट बनाते हैं जी, रशिया ने ये कर दिया वो कर दिया, सारा बकवास। ठीक है जी आगे चलते हैं। ज़िया के दौर में हमने यूएसएसआर की प्रॉपर जंग लड़ी, और भुट्टो के दौर में एक हमने एटमी जो पावर प्लांट था वो भी हमने शुरू कर दिया हुआ था, और ज़िया ने उसको रोका नहीं। जो एक ही अच्छा काम किया ज़िया ने वो ये किया कि इसको रोका नहीं है, एटमी जो हमारा एक न्यूक्लियर प्रोग्राम था। उसके बाद बारी आती है ज़ियाउल हक की। ज़ियाउल हक के दौर में रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हुआ, ड्रग कल्चर, क्लाशनकोफ कल्चर। उसके बाद ये रेफ्यूजी इन्फ्लक्स के बाद ये पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज्म बहुत हद तक फैली ज़िया के दौर में, और ये सारे का सारा जो हमने अमेरिका की वॉर वेज की हुई थी अगेंस्ट यूएसएसआर अफगानिस्तान में जाके, उसके हमें नुकसान बहुत ज्यादा भरने पड़े, और आज तक हम उसके नुकसान पे कर रहे हैं। $130 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस हुआ, 70,000 लाइव्स वर किल्ड, पीपल वर किल्ड पाकिस्तान के। तो ये अभी तक ज़िया की पॉलिसीज की वजह से। खैर अमेरिका तो तब हमसे बड़ा खुश था, उसने हमें असला भी दिया, सारा कुछ किया। फिर जब उसको पता चला कि कहीं ज़िया गड़बड़ कर रहा है, ये असला कट्ठे कर रहा है, ये आगे नहीं उधर नहीं यूज हो रहा, तो यहाँ पे ज़िया की और अमेरिका के आपस में अनबन हुई। फिर यहाँ पे रावलपिंडी में उजड़ी कैंप हुआ, उजड़ी कैंप में धमाका हुआ, और धमाके में 100 से ज्यादा बंदे मर गए रावलपिंडी में। 1988 की बात है। उजड़ी कैंप में असला भी रखा हुआ था काफी ज्यादा, एम्यूनेशन बहुत ज्यादा थी, वो जैसे ही फटा तो 100 के करीब लोग मर गए, उसमें शायद खाकान अब्बासी जॉब के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके फादर की भी डेथ हो गई थी। अब आगे चलते हैं। जैसे ही 1988 में जनीवा अकॉर्ड होता है, क्या होता है, जनीवा अकॉर्ड हुआ चार मुल्कों के दरमियान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सोवियत यूनियन और अमेरिका। इस जनीवा अकॉर्ड में यूएसएसआर विदड्रॉ कर गया अफगानिस्तान से, उसने कहा भाईजान मैं जंग हार गया हूं, मैंने बड़ी जंग लड़ ली, अब मैं हार गया हूं, मेरे हाथ खड़े। और यूएसएसआर 16 स्टेट्स में डिवाइड हुआ। ये पेपर में एमसीक्यू आया हुआ था कि कितनी स्टेट्स में डिवाइड हुआ, तो ये 16 स्टेट्स में डिवाइड हुआ था यूएसएसआर। और यूएसए जी 16 स्टेट्स थी। आगे चलते हैं। अब यहां पे यूएसए को पाकिस्तान की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो उसका स्टॉन्च अपोनेंट था वो डिसॉल्व होके टूट फूट गया था। रशिया ने 1991 में बकायदा तौर पे उसने कहा कि भाई मैं प्रॉपर जो विदड्रॉल कर लूंगा ना अपने सारे टैंक्स ट्रूप्स, टाइम लगता है ना हर चीज निकालने में, बेसिस को खत्म करने में। 1991 में यूएसएसआर से दोबारा रशिया बन गया, यानी कि उसका नाम भी चेंज हो गया रशिया, अब ये रशिया कहलाता है, दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है रशिया एरिया वाइज। बेनजीर भुट्टो के दौर में जैसे ही अमेरिका ने देखा कि उसकी अब पाकिस्तान की जरूरत नहीं रही, तो उसने सबसे पहले प्रेसलर अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करवा दी, ये भी एमसीक्यू आता होता है।
प्रेसलर अमेंडमेंट, PRESTLER, अमेंडमेंट, प्रेसलर अमेंडमेंट 1990। इसने सैंक्शन लगा दी पाकिस्तान के ऊपर। क्यों लगाई? उसकी वजह यह थी कि उसने कहा, अल्जाम लगाया, अल्जाम क्या लगाया, उसने कहा कि मुझे पाकिस्तान गारंटी दे दे, पाकिस्तानी प्रेसिडेंट ये गारंटी दे दे कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, आप स्टॉक पाइल्स इकट्ठी नहीं कर रहे हैं, आप न्यूक्लियर एटॉमिक प्रोग्राम को एडवांस नहीं कर रहे हैं, आप हमें गारंटी दे दें, हम आपके ऊपर सैंक्शन नहीं लगाएंगे। तो इन्होंने गारंटी नहीं दी। पहले मूजबानी कहते रहे कि जी हम नहीं कर रहे, नहीं कर रहे, लेकिन इनडायरेक्टली इन्होंने शुरू किया हुआ था। तो खैर, इस अमेंडमेंट के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का जो कोलिशन सपोर्ट फंड था, CSF फंड, कोलिशन सपोर्ट फंड, CSF फंड भी इसको बोलते हैं, कोलिशन, COALITION, कोलिशन सपोर्ट फंड, वो उन्होंने हमारा बंद कर दिया, विच वॉज ऑलमोस्ट 300 मिलियन डॉलर्स। ये मिलियन, एम से मिलियन, बिलियन ना लिख देना, ऑलमोस्ट 380 था या 360 मिलियन डॉलर्स, इतना ही कुछ था, अप्रॉक्स कुछ 350 मिलियन डॉलर्स था स्पोर्ट कोलिशन फंड, उन्होंने हमारा बंद कर दिया। बिल क्लिंटन के टाइम पे बेनजीर भुट्टो ने अमेरिका को विजिट किया ड्यूरिंग ए सेकंड टेन्योर, और अमेरिका की जो कांग्रेस थी उससे एड्रेस भी किया बेनजीर भुट्टो ने 1995 में। ये पेपर में आ सकता है कि विच प्रेसिडेंट एड्रेस्ड कांग्रेस, तो वो बेनजीर भुट्टो थी 1995 सेकंड टेन्योर में। आप इतने स्लो क्यों है? दिमाग में चल रहा है? चलो कोई बात नहीं। मैंने ये कहा है कि बेनजीर भुट्टो वाज द ओनली लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ एनी मुस्लिम कंट्री हु एड्रेस्ड अ कांग्रेस। कांग्रेस अमेरिका की पार्लियामेंट है, हम यहाँ पे पार्लियामेंट कहते हैं, वो कहते हैं कांग्रेस, ठीक है जी। अच्छा, दोनों हाउसेस को मिला के, इसमें HOR भी है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और सैनेट भी है, अमेरिकन सैनेट। अमेरिकन सैनेट के 435 मेंबर्स हैं, सैनेट के 100 मेंबर्स हैं। यस, प्रोटोकॉल है, ठीक है जी। ये मतलब वो दिखा रहे थे दुनिया को एक इमेज कि हम उस लेडी को सपोर्ट करते हैं जो डेमोक्रेसी के लिए फाइट की है और पहली लेडी है, तो ऑनर देते हैं बेसिकली। ये याद मलाला के साथ भी हुआ है, मलाला के साथ भी यही हुआ है, उसको बकायदा तौर पर रिस्पेक्ट दी गई है, एड्रेस किया उसने, कनाडा भी जाके एड्रेस किया था, कनाडा की नेशनलिटी भी दी गई है आजादी तौर पे। आगे चलते हैं। बेनजीर भुट्टो जब गई तो जो हमारे ऊपर प्रेसलर अमेंडमेंट लगाई हुई थी वो खत्म करके उन्होंने हमारे ऊपर दोबारा से जो है ना वो ब्राउन्स अमेंडमेंट के तहत वो खत्म कर दी। जो ब्राउन्स, BROWNS, ब्राउन्स अमेंडमेंट के तहत जो प्रेसलर अमेंडमेंट 1990 में लगाई गई थी वो 1995 में ब्राउन्स अमेंडमेंट में आके खत्म कर दी गई। $368 million थे टोटल सपोर्ट कोलिशन फंड के, कोलिशन सपोर्ट फंड के, CSF के $368 million वो उन्होंने दोबारा से हमारे रीस्टोर कर दिए अमेरिकन ने। अच्छा, आगे चलते हैं। उसके बाद हमने धमाके किए, न्यूक्लियर धमाके किए 28 मई 1998 को। कितने धमाके किए थे? फाइव। हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया चागी में। चागी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, ओके, चागी इज द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान, वो हमने बकायदा तौर पे किए। अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन लगा दी फिर से। अमेरिका ने कहा कि भाई क्यों किए, मेरी मर्जी के बगैर तुम्हारे ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर रहा हूं। यूं अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शन इम्पोज कर दी दोबारा से, और उसको हम कहते हैं ग्लेन अमेंडमेंट, ग्लेन, GLENN, ग्लेन अमेंडमेंट 1998। दोबारा उसने कहा कि पाकिस्तान को मैं ना तो कोई मिलिट्री सपोर्ट देनी है मैंने, ये ना तो कोलिशन सपोर्ट फंड देना है, ना कुछ देना है। दोबारा हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगा दी, इंडिया के ऊपर भी सैंक्शन लगा दी।
फिर दोबारा एक इंसिडेंट आता है कारगिल वॉर वाला मई 1999, जब वो मुशर्रफ इतना नवाज शरीफ गया वाशिंगटन, तो तब जाके हमारी जान छुटी और अमेरिका ने मीडिएशन करवाई और तब जाके कारगिल पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपस में जंग खत्म हुई। ये मुशर्रफ की बहुत बड़ी गलती थी कारगिल के अंदर घुसना, घुस के फिर वापस आना, ठीक है जी, और प्राइम मिनिस्टर को एतमाद में लिए बगैर, सिविलियन लीडरशिप को बगैर एतमाद में लिए। उसके बाद आगे चलते हैं 2001-9/11 का इंसिडेंट होता है। ये मैं अमेरिका के पाकिस्तान के रिलेशंस को डिस्कस कर रहा हूं, जहां से आपके एमसीक्यू बांध सकते हैं। 9/11 महीना कौन सा था? सितंबर का महीना था और 11 आपकी डेट बनती है, ठीक है। तो देखा ना, पता ही कुछ नहीं, भूल जाते हैं आप लोग। पहले हमेशा डेट लिखते हैं, फिर मंथ लिखते हैं, फिर ईयर लिखते हैं। तो 9 कौन सा है? ये अमेरिका वाले उसको उल्टा लिखते हैं। पहले क्या है? 11 सितंबर 9/11। तो वो पहले 9 को महीना लिख देते हैं और 11 डेट लिखते हैं, उसके बाद ईयर लिख देते हैं। 11 सितंबर को बकायदा तौर पे अमेरिका के अंदर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर धमाका हुआ, दो प्लेन जाके हिट हुए वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर, तकरीबन 2700 कुछ कैजुअल्टीज हुई, ऑलमोस्ट 3000 कैजुअल्टीज, 2700-2800 बंदा मरा था। और इसका इल्जाम जाके सीधा सीधा लगा अलकायदा के ऊपर। अलकायदा वाज ब्लेम्ड अलकायदा ने नहीं, आज तक नहीं किया, वो तो कहते हैं उसामा ने, हमने किए नहीं है धमाका। हालांकि अगर आप उसामा की बुक पढ़ें या उसामा के ऊपर पढ़ें आप, तो उसामा के अच्छे खासे ग्रजेस थे। जब इसने अलकायदा बनाई थी तो दो बंदों ने बनाई थी, एक एमन अज़वायरी था, एक उसामा बिन लादेन। उसामा बिन लादेन वाज अ सऊदी सिटीजन। ये सऊदी, जब ये अफगानिस्तान में जिहाद हुआ था तो पूरी दुनिया से लोग आए थे, मुस्लिम कंट्री से भी अच्छे खासे लोग आके अफगानिस्तान में जिहाद कर रहे थे। तो जब ये जिहाद करके निकले हैं और सोवियत टूटा है और अमेरिका एज इट इज जूं का तो निकल गया है। देखे ना, जब जहां पे वॉर होती है तो वो तबाही तो होती है। अब उस तबाही को अमेरिका ने ठीक नहीं किया, ना उन्हें पैसा दिया कि भाई आप ये चीजें ठीक करें, दोबारा से इसको इस्टेब्लिश करें, बिल्ड करें, ना लोगों के पास पैसा था ना कुछ। यूं जूं का तू निकल गया, उन्होंने कहा कि भाई तुम हमें पाल रहे थे, अब एकदम से तुमने हमारा पैसा बंद कर दिया, जब तुम्हें हमारी जरूरत खत्म होगी। इस वजह से उसामा खिलाफ हुआ था अमेरिका के, और यही वजह है कि 1991 में तालिबान आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। मुजाहिदीन थे अफगानिस्तान में, और या अलकायदा थी, ठीक है जी, या बाकी जो छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशंस थी, या जो नॉर्दर्न अलायंस था, अजबक ताजिक हजारा वाला शिया अलायंस, वो था। तालिबान आए 1991 के बाद, जब उन्होंने देखा ना वैक्यूम अब पड़ा हुआ है पीछे, मुजाहिदीन भी इधर उधर हो गए हैं, यही अफगान मिशनरीज थे, ये जो तबलीगी शबलीगी होते हैं, तबलीगी तबलीग पर नहीं जाते, लेकिन वो पता नहीं क्या थे, खैर तबलीग वाले, उन्होंने तबलीग वगैरह शुरू की, और जो है ना वही लोग उठा के उन्होंने कहा कि हम अब तालिबान के नाम से जो है ना आ रहे हैं, और उन्होंने जाके 1996 में जो रबानी की गवर्नमेंट थी उधर, बुरहानुद्दीन रबानी की, उसकी गवर्नमेंट को उन्होंने जाके टॉपल कर दी। तबलीग करना बुरी बात नहीं होती, तबलीग करना बहुत अच्छी बात है, हमें करनी चाहिए, इस्लाम को प्रमोट करना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब वही अनासिर तबलीग के नाम पे कुछ और करना शुरू कर दें, हाँ जी हाँ, उनका यही नजरिया था कि हमने गवर्नमेंट को कैप्चर करना है। तो अच्छी खासी गवर्नमेंट चल रही थी भाई, क्या जरूरत है आपको टॉपल करने की। बुरहानुद्दीन रबानी गवर्नमेंट को मुल्ला उमर ने जाके उसकी गवर्नमेंट को टॉपल कर दिया, और वो खुद जो ना वो अमीरुल मोमिनीन बन गया जी। अच्छा, अब कंस्पिरेसी थ्योरीज क्या कहती है 9/11 के बारे में। कुछ कहते हैं जी अमेरिका ने खुद करवाया, जो पॉलिटिकल राइज था इस्लाम का उसको दबाने के लिए। पॉलिटिकल राइज ऑफ इस्लाम का मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का सियासी निजाम नहीं, इस्लाम का सियासी निजाम कभी भी इम्पोज नहीं कर सकते आप, जिस तरह तालिबानों ने किया हुआ है। वो तो बड़ा खूबसूरत निजाम है इस्लाम का सियासी निजाम। ये बेसिकली पॉलिटिकल राइज ऑफ इस्लाम वेस्ट इसको कहता है, ये टर्मिनोलॉजी मेरी नहीं है, ये वेस्ट की है। पॉलिटिकल राइज ऑफ इस्लाम इन द फॉर्म ऑफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, अलकायदा, दाइश,
दाइश तो खैर 1999 में बनी थी, 2014 में उसने अपना नाम चेंज करके दाइश का नाम ISIL और ISIS रख दिया था, अभी उसका नया नाम ISIL है, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया इसका पुराना नाम था, अब इसका नया नाम है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड लिवांत, और इसका पुराना नाम है जमात तौहीद वल जिहाद। क्या नाम है? सबसे पुराना नाम जमात तौहीद वल जिहाद, 1999 में एस्टेब्लिश हुई ISIS, जिसका नया नाम 2014 में रखा गया, अबू बकर अल बगदादी इसका हेड था। जमात तौहीद वल जिहाद, फिर इसका ISIS नाम पड़ा, अब ISIL इसका नाम है। ओके ओके, अब आते हैं वापस 9/11 की तरफ। ये जब अमेरिका पे अटैक हुआ तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ही वाज रिपब्लिकन प्राइम मिनिस्टर, सॉरी रिपब्लिकन प्रेसिडेंट, उसने मुशरफ को कॉल की, उसने मुशरफ को थ्रेट किया, तो मुशरफ साहब बात सुने मेरी, उसने कहा जी, मुशरफ साहब जॉगिंग कर रहे थे उस टाइम, उसने कहा भजन मेरी बात सुने, हमारे इधर धमाका हो गया और किया है ISIS, अलकायदा ने किया है, तो अलकायदा में जो मुला सॉरी उसामा बिन लादेन है, वो जो अफगानिस्तान में जो तालिबानों का रिजीम है, जिसको मुला उमर, जिसका अमीरुल मोमिनीन है, मुला उमर ने छुपाया हुआ है, हमने उनसे कहा है कि वापस कर दें, लेकिन वापस नहीं कर रहे मुला उमर को, यानी कि उसामा बिन लादेन को हमारे हवाले नहीं कर रहे हैं, और छुपाया किसने हुआ है? मुला उमर ने छुपाया हुआ है। ये तालिबानों के ऊपर इल्जाम लगाया गया था, तालिबान खुद इन्वॉल्व नहीं थे, अलकायदा इन्वॉल्व थी, अलकायदा एक अलग धड़ा है, ठीक है जी, यूं उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया, और मुशरफ साहब ने कहा कि भाई ठीक है हम आपका साथ देते हैं, उसने कहा अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे तो हम आपको स्टोनेज में पहुंचा देंगे, न्यूक्लियर शुक्ल मार के आपको पुराने दौर में पहुंचा देंगे, पत्थर के जमाने में पहुंचा देंगे। यस और नो, उसने कहा यस और नो, उसने कहा यस सर हम आपके साथ हैं, ठीक है जी। अच्छा, एंड दैट वाज अ गुड डिसीजन, पर्सनली यही मैं सोचता हूँ कि अच्छा डिसीजन था, नहीं तो अब तक हम भी अफगानिस्तान बन चुके होते। हाँ हाँ, मे भी हो सकते थे। खैर आगे की तरफ आते हैं, आगे की तरफ आते हैं, वही तालिबान जो हमारे बनाए हुए थे, हमारे सपोर्ट करदा तालिबान, तालिबानों की गवर्नमेंट को सिर्फ तीन मुल्कों ने तस्लीम किया था पूरी दुनिया में, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरेबिया, बस। तो जनरल नसीरुल्लाह बाबर, हमीदुल्ला, हमीद गुल और इस तरह के और लोग, ISI वगैरह, ये वो, ये करते रहे सपोर्ट, ये बात हम मानते हैं, पूरी हिस्ट्री मानती है, पूरी दुनिया मानती है, पूरी फौज हमारी भी मानती है, और ये हमारी गलती थी कि हम दूसरे मुल्क में जाके जो ना, खैर कोई ना कोई अच्छी बॉर्डर मैनेजमेंट ही कर लेता ज़ियाउल हक़ यार। खैर उसके बाद आगे आते हैं, तैमूर चुके उसके बाद आते हैं जी 9/11 हो गया, और पाकिस्तान ने वही जो हमारे सपोर्ट करदा उधर एक रिजीम था अफगानिस्तान के अंदर तालिबानों का, हम उसके खिलाफ होना शुरू हो गए, हमने अपनी जो बॉर्डर्स थे उन्हीं के बॉर्डर हमने बंद करके उन्हीं के खिलाफ ऑपरेशन यहाँ से कंडक्ट करना शुरू कर दिए, नेटो को बकायदा तौर पे हमने सप्लाई फ्राहम की यहाँ पे, उनको बकायदा तौर पे नेवल बेसिस दिए, उनको बकायदा तौर पे ये बाकी अड्डे शड्डे दिए हमने, एयर बेसिस वगैरह, हमने कहा ठीक है भाई जिस तरह चाहो आप यूज़ करो, क्योंकि उन्होंने हमारा साथ मांगा था, उन्होंने अफगानिस्तान में ऑपरेशन करना था, और ये पाकिस्तान की ज्योग्राफी हमेशा से पाकिस्तान के लिए लाइबिलिटी साबित हुई है, सी पैक के फॉर्म में आप जाके शायद वो एसेट बन जाए, अदरवाइज हमेशा से लाइबिलिटी रही है हमारी ज्योग्राफिक लोकेशन, ये पाकिस्तान का आलमी है। इसके बाद आगे आते हैं, 9/11 हुआ, तो 9/11 जैसे ही हुआ तो उन्होंने हमारे ऊपर जो ग्लेन अमेंडमेंट लगाई हुई थी वो उन्होंने हमारे ऊपर सैंक्शन लिफ्ट अप कर दी, $1 बिलियन हमने उनसे पैसे लिए हुए थे वो भी उन्होंने वेव ऑफ कर दिया, उठा खत्म कर दिया, कर्जा हमारा माफ कर दिया उन्होंने $1 बिलियन, ये जो था उस वक्त जॉर्ज डब्ल्यू बुश था, बुश जूनियर, अच्छा यही हाल 2001 में उन्होंने हमें $1 बिलियन मजीद भी दे दिया पैसे, उन्होंने कहा ये लो लोन नहीं पैसे एड एमी फ्री वाली एड, हमने साथ दिया ना उनका, उन्होंने उसके बदले $1 बिलियन दे दिया। 2004 में TTP बन गई, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, फरी हमारा डिफेंस स्ट्रॉन्ग है फिर भी हम USA वगैरह से क्यों दबते हैं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता इसके ऊपर। आपका ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर हुआ था उसामा बिन लादेन के खिलाफ, आपने कुछ भी नहीं किया,
कुछ सवाल होते हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी, मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, नो डाउट हमारी फौज, हमारा डिफेंस लाइन है, नो डाउट हमारा डिफेंस स्ट्रांग है, लेकिन अमेरिका बहुत बड़ी इकोनॉमी है। अमेरिका जो है वो इस टाइम ग्लोबल जीडीपी का 24% है और हम क्या है, पीनट्स हैं। ओनली 347 बिलियन डॉलर्स की हमारी इकोनॉमी है। अमेरिका अमेरिका है, पाकिस्तान को आप कहां से कंपेयर, किसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं आप? तो ये सवाल आपका बनता ही नहीं है। खैर आगे चलें। 2004 में टीटीपी बनी, 2004 में पाकिस्तान नॉन नेटो अलाय बना जी मेंबर, नॉन नेटो अलाय हम बने 2004 में। नॉन नेटो अलाय का मतलब क्या होता है? नेटो का मेंबर बन जाना, ऑफिशियल मेंबर नहीं, सिर्फ नॉन नेटो अलाय रहे हम, उसके तहत ही रहे, ठीक है जी, मेंबर नहीं बने। मेंबर तो नेटो के सिर्फ 30 हैं, जिसमें सिर्फ मुसलमान मुल्क टर्की शामिल है। ये 4 अप्रैल को बनाया गया था 1949 में अगेंस्ट सोवियत यूनियन। अब आगे चलते हैं। 2007 में अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि भाईजान हम मुशर्रफ को जो पैसा देते हैं ये अपना डिफेंस को स्ट्रांग लगाने करने में लगा रहा है, ये पैसा डिफेंस को स्ट्रांग करने में लगा रहा है। और इसी रिपोर्ट को मुशर्रफ ने 2009 में कंफर्म किया, उसने कहा यस मैं अपने डिफेंस को मजबूत करने में पैसा लगाता रहा हूं, उधर उधर की वॉर अफगानिस्तान, और उसका फिर अल्टीमेटली हम भी तो सफर करते रहे। 2008 में अमेरिका ने एक एयर स्ट्राइक की और पाकिस्तान की FC के कोई तकरीबन 11 सोल्जर्स शहीद कर दिए 2008। अमेरिका ने कैरी लॉगर बिल पास किया 2009 में अक्टूबर में, कैरी लॉगर बिल 2008 में FC के 11 सोल्जर्स हमारे शहीद हुए अमेरिका ने अटैक किए। 2009 के अंदर क्या हुआ कि कैरी लॉगर बिल अमेरिका ने दिया, और उस वक्त जो वाइस प्रेसिडेंट था वो यही आज का जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन, ही वाज वाइस प्रेसिडेंट दी देन ड्यूरिंग ओबामाज रिजीम, बराक ओबामा। नहीं एहसान अब नहीं है नॉन नेटो का जी। कैरी लॉगर बिल में पाकिस्तान को 9 बिलियन डॉलर दिए गए, सॉरी 7.5 बिलियन डॉलर्स। ये उन्होंने कहा कि ये सिविलियन एड है, ये मिलिट्री एड नहीं है, क्योंकि 2004 के बाद 2005 के बाद उन्होंने मुशर्रफ के ऊपर इल्जाम शुरू लगाना शुरू कर दिया था कि जो मुशर्रफ है यहाँ पे सेफ हेवन हैं टेररिस्ट की, पाकिस्तान में सेफ हेवन हैं टेररिस्ट की, और उन्होंने पाकिस्तान को डीप स्टेट कहा कि ये प्रोटेक्शन देते हैं इन ये जो आपके हैं तालिबान इन सबको, ठीक है जी। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट था वो बहुत ज्यादा बढ़ता गया जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश था और मुशर्रफ के दरमियान, इसीलिए उन्होंने 2009 के अंदर 7.5 बिलियन डॉलर सिविलियन एड जारी की। कुछ अर्सा उन्होंने रोक लिया, फिर यहाँ से शाह महमूद कुरैशी गए, हमारे फॉरेन मिनिस्टर थे, ये जाके उन्होंने आजाद करवाई, ये जाके दोबारा उन्होंने दिलवाई, ठीक है जी, क्योंकि वो US ने पाकिस्तान की जो आर्मी थी उसको अपने लिए थ्रेट डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि ये तालिबान से भी हमारे लिए ज्यादा थ्रेट है, ये बगैर तौर पर वो कहते थे, वही हमारी आर्मी जो कुर्बानियां दे रही थी उनके लिए, ठीक है जी। 2010 में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, ये कौन है इस वक्त वाइस अमेरिका अफगानिस्तान का प्रेसिडेंट का नाम क्या है? हसन अखुंद। बड़े डीप रिलेशन हैं तुम्हारे हैं। क्या नाम है इदरीस, इसका क्या नाम है? हाँ वकील खान, बगैर LLB की डिग्री के वकील खान। अच्छा आगे चलते हैं। 2010 में मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर जो आजकल वाइस प्रेसिडेंट है अफगानिस्तान का,
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये जो तालिबान, ये जो है ना मुल्ला अब्दुल गनी ब्रादर वाले, ये अमेरिका खुद जानबूझ के इनको लेकर आया है, क्योंकि जो पिछले तालिबान थे वो बहुत ही कट्टर किस्म के तालिबान थे। यस, yes, 2010 में हम हमारी जेलों में बंद थे ये, हमने इनको बाद में रिलीज किया अमेरिका कहने पे, और ये ब्रेन वॉशिंग हुई इनकी जाके 71-76 में। सऊदी अरब ने बड़ा रोल प्ले किया, और एक तालिबानों को तालिबानों से रिप्लेस करने में अमेरिका को, इट टुक अमेरिका 20 ईयर्स। ये भी एक थेरी है कि ये जो तालिबान है ये ह्यूमन राइट्स और वुमन राइट्स पे बिलीव रखते हैं, डेमोक्रेसी पे थोड़ा बहुत बिलीव रखते हैं। विल नॉट टॉक अबाउट सच थिंग्स, ठीक है जी, क्योंकि आपको पता है कि आगे चलते हैं। नहीं, नॉट डीप डीप पॉकेट्स। ये तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, तो उस पर हम कुछ बोल नहीं सकते, और उसके बाद आगे चलते हैं। दो हजार ग्यारह में रेमंड डेविस वाला वाक्या हुआ, हाँ, इसने इसी ने तो जारी किया था कैरी लोगर बिल, इसी को हमने निशाने पाकिस्तान दिया हुआ है, बाइडन को, बाइडन को हमने निशाने, नहीं गनी ब्रदर की बात छोड़ो, इधर आ जाओ, गनी ब्रदर को हमने अरेस्ट किया था 2010 में, और 2009 में बाइडन को हमने निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया था। क्या हुआ है बच्चे, क्या हुआ है? मिक्स कहां से हुआ है? मैंने कहा है कि मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर भी इस वक्त अफगानिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट है, और उसी ने नहीं, बल्कि ये तो जो बाइडन का था ना, नौ, ये जो 7.5 बिलियन डॉलर्स का था ये कैरी लोगर बिल, ये तो अफगानिस्तान हमें कब इतना पैसा दे सकता है। हाँ, सेनेटर कैरी लोगर ने बेसिकली ये बिल पेश किया था, इसलिए इसको कैरी लोगर बिल कहते होते हैं, और ये जो हमने इसको निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया हुआ है ना, हमारा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है निशाने पाकिस्तान, हमने 2006 में सऊदी अरब के बादशाह को दिया, मोहम्मद सलमान को, ठीक है जी, किंग सलमान को, और 2009-10 में इसी को दिया, बाइडन को, जो बाइडन को दिया, क्योंकि उसने किस लिए, क्योंकि उसने हमें पैसा भी दिया, और हम, क्योंकि वो डेमोक्रेसी की बातें करता है, इसलिए हमने कहा कि भाई दे दो। 2011 के अंदर जो तीन वाकयात होते हैं बड़े बड़े मोटे मोटे वाले, नहीं, काकड़, हाँ, कैरी लोगर बिल 10 में। अच्छा अब बात सुनो, 2011 में हुआ रेमंड डेविस वाला मामला, रेमंड डेविस ने लाहौर के अंदर दो पाकिस्तानियों को शहीद कर दिया था, कहा यह जाता है कि वो दो जो थे वो कोई सिक्योरिटी एजेंसी के बंदे थे, हसास इदारे के बंदे थे, और वो डिप्लोमेट नहीं था, डिप्लोमेटिक जो डिप्लोमेट्स होते हैं ना उनको खास किस्म की डिप्लोमेटिक इम्यूनिटीज हासिल होती हैं, उनमें एक ये भी इम्यूनिटी होती है कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनके ऊपर दूसरे मुल्क का लॉ एप्लीकेबल नहीं होता, पाकिस्तान का कोई एम्बेसडर बाहर के मुल्क में कुछ भी करे उस पर उसका लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा बल्कि पाकिस्तान का होगा, ठीक है जी। इसी तरह यही हाल रेमंड डेविस का, उन्होंने कहा कि एम्बेसडर तो नहीं है क्योंकि वो ब्लैक वाटर का मेंबर था, और हमने फिर उसको दियत शियत दे के मामला क्लियर करवाया, अमेरिका अपने एक बंदे को छुड़वाने के लिए उसने क्या कुछ नहीं था किया। 2011 में उसने उसामा बिन लादेन के खिलाफ ऑपरेशन किया 2 मई को, 2 मई 2011 ऑपरेशन का नाम क्या था, नेपच्यून स्पेयर, नेपच्यून स्पेयर एक ऑपरेशन है, ये बकायदा तौर पे किया गया 2011 में उसामा बिन लादेन के खिलाफ, 2 मई को हुआ, इसमें उसामा बिन लादेन को शकील अफरीदी की मदद से कैप्चर करवा लिया गया और उठा के ले गया, उन्होंने जाके समंदर में फेंक दिया। शकील अफरीदी बेसिकली एक डॉक्टर था, और वो पोलियो के बहाने उसने डीएनए के टेस्ट इकट्ठे करके अमेरिका को दिए, और वो छुप के यहां से भाग गया। ये
नहीं, रेमंड डेविस की आई है, उसने भी लिख दिया पाकिस्तान के खुद रहमान मलिक, अभी तो उसकी डेथ हो गई है, इन लोगों ने बड़ी कोशिश की कि ये कहीं किसी ना किसी तरीके निकल जाए। ठीक है जी, मीडिया के ऊपर भी बड़ी बातें चलती रही है। ठीक है जी, असल में भजन समझदार है ना, बस ठीक है। उसके बाद 2011 में एक और वाकया हुआ, वो सलाला चेक पोस्ट का वाकया था। सलाला चेक पोस्ट, यहां पे पाकिस्तान के 24 फौजी उन्होंने शहीद कर दिए। सलाला के अंदर चेक पोस्ट के ऊपर हमने उन्हें हमला कर दिया नेटो ने, और पाकिस्तान ने नेटो की सप्लाई बंद की रखी 10 महीने। पाकिस्तान हाल्टेड नेटो सप्लाई विच लास्टेड फॉर 10 मंथ्स। ड्रोन अटैक्स हुए बहुत ज्यादा की तादाद में, दो हजार बारह में पाकिस्तान रीस्टोर नेटो सप्लाई। पाकिस्तान ने उन्हें कहा कि भाई हमसे अब माफी मांगे, हमारे जो 24 फौजी शहीद किए हैं, उन्होंने कहा कि हमने कोई माफी शाफी नहीं मांगनी। पाकिस्तान ने कहा हम तब तक नेटो सप्लाई बहाल नहीं करेंगे जब तक आप माफी ना मांगे। तो हिलरी क्लिंटन ने बाद में कहा कि हमें शदीद दुख है इस बात का कि जो भी हुए गलती, जो भी हुआ गलत हुआ है, इस ये उनकी माफी मांगने का तरीका था। ठीक है जी, 24 बंदे हमारे शहीद करके फिर हमने जाके नेटो सप्लाई बंद की, और कैरी लॉगर बिल अप्रूव हुआ और हमें एड मिली। उसके बाद 2016 में मुल्ला अख्तर मंसूर की डेथ हुई। मुल्ला अख्तर मंसूर को ड्रोन अटैक में मारा गया, वो ईरान के बॉर्डर से पाकिस्तान में एंटर हो रहा था, तो अमेरिका ने उसको ड्रोन से मार गिराया। बीच में अफगानिस्तान से रिलेटेड पीस टॉक्स के लिए बड़ी कोशिशें करवाई गई और पीस टॉक्स करवाए गए। अख्तर मंसूर भाई मुझे क्यों मरवा रहे हो? और तालिबानों का लीडर था भाई, उन्हें मुझे ही मरवा दिया, शर्म करो। अच्छा आगे चलते हैं। दो हजार तेरह से ही ये जो हार्ट एशिया अफगानिस्तान में आस्ताना पीस प्रोसेस, बीच में मरी टॉक्स हुई, बीजिंग टॉक्स हुई, फिर रशिया के अंदर टॉक्स हुई, ठीक है जी, और दोहा के अंदर टॉक्स बड़ा चलती नहीं, तो ये पूरा प्रोसेस था, चलता रहा चलता रहा, और बकायदा तौर पे ये दोहा अकॉर्ड हुआ। फिर जाके कब हुआ? फरवरी 29 को, लीप ईयर, ताकि तालिबान 4 साल के बाद अगर सेलिब्रेट भी करनी है विक्ट्री तो 4 साल बाद करें। February 29, 2019 दोहा अकॉर्ड। मामू मैं अभी क्लास में हूँ। ओके क्या बता रहा था, दोहा अकॉर्ड हुआ और उसके बाद अमेरिका जहां से विड्रॉ कर गया बगैर तौर पे, और पाकिस्तान में अमेरिका का जो एम्बेसडर है वो है असद मजीद खान, वो हटा के अभी अभी लगाया गया है जो आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर भी रहा है। क्या नाम है? कंट्रोवर्सीज तो बहुत ज्यादा हैं। आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर का नाम बताएं जो भी इस वक्त अमेरिका में पाकिस्तान का एम्बेसडर है। 2020 में हुआ ना अकॉर्ड, मसूद असद, हाँ मसूद, 2020 में हुआ ना दो अकॉर्ड, 2020 में हुआ है, दैट वाज अ लीप ईयर, 2020 नॉट 2019। अच्छा मसूद खान जो है ना वो आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर, भी उसको अमेरिका का एम्बेसडर लगा दिया गया है।
थैंक यू थैंक यू सरदार मसूद खान। अच्छा आगे चलें, ये हो गया पाकिस्तान के अमेरिका के रिलेशंस, यहां से आपके एमसीक्यूज अच्छे खासे। अब आते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के साथ तो बड़े अच्छे रिलेशंस हमारे रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, ठीक है जी, बड़े प्यारे रिलेशंस रहे हैं, और इनके दरमियान 4-5 वॉर्स भी हो चुकी हुई हैं, है? जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपको पता होगा, हिस्ट्री तो मैं आपको बाद में ही पढ़ाऊंगा, कि जो बाउंड्री कमीशन के बाद के वाकयात हुए और 15 अगस्त को पाकिस्तान में पंजाब की पार्टीशन हुई और उधर बंगाल की पार्टीशन हुई, उसके लिए कमीशन भी बनाए गए थे, जस्टिस एम के मुखर्जी, सी सी बसवास, जस्टिस अबू साले मोहम्मद अकरम, जस्टिस दीन मोहम्मद, जस्टिस मुनीर, जस्टिस जो थे वो क्या नाम है, एम के मुखर्जी वगैरह, तीजा सिंह वगैरह, ये सारे के सारे उसमें शामिल थे, वो बाद में बताऊंगा। पाकिस्तान की और इंडिया की इब्तदाई जंग से हुई है, कश्मीर वॉर 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ, 26 अक्टूबर 1947 को, 27 को इंडिया ने अपनी ट्रूप्स भेज दी कश्मीर के अंदर। ये इंडिया के साथ रिलेशंस की बात हो रही है, ये एमसीक्यूज आते होते हैं पेपर में ना, इसलिए लिखवा रहा हूं, ये रिलेशंस को कवर करवाना इसलिए बड़ा जरूरी होता है, अदरवाइज मैंने आपको सारी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आज ही करवा लेनी थी, इतनी सारी, और यहां से अच्छे खासे एमसीक्यूज आते होते हैं। तो ये कश्मीर वॉर 1 जनवरी 1948 को जो नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू, वो कश्मीर का क्वेश्चन लेके चला गया यूएन के अंदर, कश्मीर क्वेश्चन के नाम से 1948 जनवरी में, और इंडिया ने खुद एक्सेप्ट किया कि इट्स एन इंटरनेशनल इशू एज वेल एज बायलेटरल इशू। बायलेटरल का मतलब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान, उस पेपर का नाम था जिस पेपर के नाम से वो गया था, कश्मीर क्वेश्चन के नाम से, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये जवाहरलाल नेहरू की बात हो रही है। तो यूएन ने इसके ऊपर दो रेजोल्यूशन दी थी, एक थी 47, एक थी 39। 47 डील्स विद प्लेबिसाइट, कि पहले पाकिस्तान अपनी ट्रूप्स निकालेगा, फिर इंडिया निकालेगा, फिर यूएन अपनी वो भेजेगा फोर्सेस जो कि वहां पे प्लेबिसाइट करवाएंगी। और जो 39 रेजोल्यूशन थी वो थी सीज फायर लाइन। सीज फायर लाइन वॉज इस्टेब्लिश्ड ऑन 5 जनवरी 1949, जब ये सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, कराची एग्रीमेंट इसको कहते हैं, 1949। कराची एग्रीमेंट भी इसकी एक कड़ी थी। कराची एग्रीमेंट इसलिए नहीं किया गया था कि उसमें सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था, वो इसलिए किया गया था क्योंकि उसमें बकायदा तौर पे जो मिलिट्री रिप्रेजेंटेटिव थे दोनों कंट्रीज के, कुछ यहाँ के भी और उधर के भी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब एलओसी जो है वो एक डिफेक्टो बॉर्डर के तौर पे तस्लीम की जाएगी, और इसको बैकअप, जो बैकअप दिया वो यूएन ने दिया, और यूएन ने बकायदा तौर पर मीडिएट करवा के एलओसी बनवा दी, और हमारा पानी जाके उन्होंने रिस्टोर किया दोबारा। उसके बाद आते हैं हम 1960 में। 1960 में पाकिस्तान इंडस वाटर ट्रीटी हुई, एक वाटर ट्रीटी हुई पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से, IWT, इंडस वाटर ट्रीटी 1960। ये पढ़ाया हुआ ना मैंने कश्मीर में भी, तो इसकी डिटेल शेयर करूं, कौन से रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए थे, वेस्टर्न रिवर्स, वो कौन कौन से हैं, इंडस, ये CSS कैम्पिटी में आया हुआ था, और इंडिया के पास ईस्टर्न रिवर्स, रावी, सतलुज, ब्यास, ये इंडिया के पास थे, ठीक है जी। मीडिएटर कौन था, वर्ल्ड बैंक। यूएस वाला कौन है, वर्ल्ड बैंक, ओके गुड। अपनी गलती को तस्लीम करना भी सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ कि बात होती है, और मैं पहल करता हूँ अपनी गलती को तस्लीम करने में, जैसी मर्जी हो जाए मैं मानता हूँ अपनी गलती, आप लोग भी माना करें, नहीं हो जाता है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि इंसान की पर्सनैलिटी की, मेरी पर्सनैलिटी की सबसे बड़ी ट्रेट ये है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ एट द फर्स्ट मोमेंट। आगे चलते हैं,
उसके बाद 1965 की वॉर और 66 बल्कि 63 में आ जाएं, 63 में पाकिस्तान चाइना बॉर्डर एग्रीमेंट और 62 में वॉर हुई चाइना की और इंडिया की, और ऑपरेशन जिब्राल्टर कब हुआ? 64 में, जिसमें पाकिस्तान ने ये फैसला किया यहाँ की फौज के जर्नैलों ने, जनरल टिका खान वगैरह ने, कि हम इंडिया के ऊपर इंडियन ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर में अटैक करेंगे। उनके लोकल्स को एक महीने की ट्रेनिंग दी, अटैक किया, नाकाम हुआ, विच वॉज रिजल्टेड इन 1965 वॉर। 1965 की वॉर वॉज स्टार्टेड फ्रॉम 6 सितंबर टू 23 सितंबर 6 सितंबर से 23 सितंबर 17 दिन की वॉर रही। हाँ जी, हो गया। अच्छा, और इसकी ताशकंद अकॉर्ड हुआ 1966 में। और उसकी डेट थी 10 जनवरी, लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के दरमियान। लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के दरमियान। अच्छा, आप आगे चलें। अगले ही दिन लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। ये उज़्बेकिस्तान में हुआ था, ठीक है जी, जी 1966 में, खुशी के मारे उसकी डेथ हो गई थी, ठीक है जी। नेहरू की भी डेथ हुई थी 1964 में। अच्छा, बाकी चलते हैं। 1971, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर तक बांग्लादेश में वॉर रही। नेहरू 64 में हुआ है, लाल बहादुर शास्त्री 66 में हुआ है। हो गया, कहां तक पहुंचे? 1971 में ये जो जंग हुई थी बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि बांग्लादेश के साथ हमने बड़ी ज्यादतियां की हैं, और उन्होंने 1966 में 6 पॉइंट्स भी दिए थे शेख मुजीब रहमान। उसने कहा मुझे सेपरेट मिलिट्री अपनी बनानी है, मुझे सेपरेट फॉरेन एक्सचेंज अपना बनाना है, मुझे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहिए, मुझे करेंसी भी अपनी अलग चाहिए, मुझे फॉरेन एक्सचेंज भी, मुझे आर्मी भी, इस तरह की डिमांड्स थी। और जब भी उसने 1960 में अगरतला कॉन्स्पिरेसी भी के अयूब खान को टॉपल करने के लिए गवर्नमेंट को, 1968 में अगरतला कॉन्स्पिरेसी, और जब इंडिया ने देखा कि हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं पाकिस्तान इंडिया के, तो उसने मक्ती बानी भेज दी बांग्लादेश के अंदर फोर्सेस। मक्ती बानी ने बांग्लादेश के अंदर बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की फोर्सेज के साथ लड़ाई की, बांग्लादेश के लोगों के साथ भी बड़ी ज्यादती की, और तासर यह दिया कि ये फौज है पाकिस्तान की जो आपके साथ ज्यादती कर रही है। नो डाउट कि हमारे हमसे भी गलतियां हुई हैं, हमारी फौज से भी साजद हुई हैं गलतियां, और हमारी जो पॉलिटी थी उससे भी गलतियां सारे साजद हुई हैं। वो एंट्री फेडरलिस्ट थे, हम चाहते थे स्ट्रॉन्ग फेडरेशन हो, वो चाहते थे वो चाहते थे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, हम चाहते थे स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। वो चाहते थे बंगाली को कौमी जुबान डिक्लेयर किया जाए, हम चाहते थे उर्दू को, लिंग्विस्टिक इशू आ गया। वो चाहते थे हमें ज्वाइंट इलेक्टोरेट मिले, हमने कहा नहीं, हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा थी और प्राइम मिनिस्टर उनका बनना था। दे डिमांडेड ज्वाइंट इलेक्टोरेट एंड वी डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इस्लामाइजेशन ना करो पाकिस्तान की, जो कि उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में अपने तासरात भी इजहार किए, 24 वोट भी उसके खिलाफ पड़े, लेकिन हमने कर दी, ठीक है जी। उसके बाद हमने उनकी इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन बहुत ज्यादा की, हमने मिलिट्री के अंदर अपनी हाइट कम रखी, ज्यादा बढ़ा के रखी, ताकि कोई फौजी उसके अंदर बंगाली कम से कम हो, ठीक है जी। हमने बड़ी ज्यादतियां की उनके साथ। हंस क्यों रहे हो? नहीं, नेवर कमेंट ऑन एनी कास्ट क्रीड एंड कलर, नॉट इवन ऑन हाइट। यस, उन्होंने इनको ट्रूप्स डिप्लॉय किया अफगानिस्तान बांग्लादेश के अंदर, और उन्होंने पाकिस्तान के 93,000 फौजी कैप्चर कर लिए। फिर हमारी जो इधर भुट्टो था, भुट्टो ने जनरल नियाज़ी को भेजा कि आप जाएं उनके साथ जाके मुआहदा करें। जनरल नियाज़ी ने जाके सरेंडर किया, और अरोड़ा के सामने, जनरल अरोड़ा के सामने,
और यू शिमला अग्रीमेंट हुआ 2 जुलाई 1972 को। शिमला अग्रीमेंट वॉज साइंड ऑन 2 जुलाई 1972 बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। यस हाफिज, नहीं आई नो दैट। ये बकायदा तौर पे हम तो कहते हैं कि हमारी उस वक्त की जो फौज थी उसने गलतियां की हैं। ब्रिगेडियर्स अब की जो है उसकी साले की बुक है, मैंने साले की मैंने ढाका डूबते देखा, फिर हम उदरमान कमीशन बना, उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश नहीं हुई। तो गलतियां तो हमारी फौज से भी और हमारे सियासतदान से उनसे भी हुई हैं, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। 1971 हो गया, 72 भी हो गया, 2 जुलाई शिमला अग्रीमेंट। शिमला अग्रीमेंट में कश्मीर के ऊपर बात हुई, उन्होंने कहा भाईजान कश्मीर अब बायलेटरल इशू है, अब हम कोई भी कुछ करेंगे तो यूनिलैटरली मूव नहीं करेंगे बल्कि बायलेटरल। कोई दुनिया की तीसरी कुवत आके हमारे दरमियान फैसला नहीं करवाएगी, ठीक है जी। अब कूलिंग बेहतर नहीं है। अच्छा खैर उसके बाद आगे चलते हैं। 1984 में वापस आ जाए, सियाचिन वॉर 84। 1999 कारगिल वॉर मई 1999, कारगिल में भी मुशर्रफ ने पहल की और हमें वापस जाना पड़ा क्योंकि यूएस का भी हमारे पर बड़ा प्रेशर था। हमने यूएस से कहा कि भाई मेहरबानी कराओ, जंग बंदी कराओ, क्योंकि वॉर के तो कंसिक्वेंसेस डिजास्टर होते हैं ना, डिजास्टर्स होते हैं। वॉर इज नॉट अ विन विन ऑप्शन, इसमें तो दोनों तरफ से बड़ा नुकसान होता है। हम कहते हैं ना वॉर हो जाए, आज हो जाएगी, सब नीचे छुपे होंगे बिलों के अंदर, ठीक है जी, तय खाने बना के, कोई कहाँ पहाड़ों में, कोई कहाँ। तो जंग में तो दोनों कामों का नुकसान होता है ना, ये कौन सा तरीका कि आप उठे और जंग कर दें। वो तो है एक्सट्रीमिस्ट, मोदी वाले तो हैं एक्सट्रीमिस्ट, तो क्या हम भी एक्सट्रीमिस्ट बन जाए? हाँ हम रिटेलिएट करेंगे, जब वो कुछ करेंगे तो हम जरूर उसका जवाब देंगे, हम दिया भी है हमने। उसके बाद 2001 में उनके इंडियन पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, बल्कि मई 1999 में वाजपेयी ने विजिट किया नवाज शरीफ को 1999 में। आज का टॉपिक यह रिलेशंस में पढ़ा रहा हूँ आपको, रिलेशंस पाकिस्तान के, यहाँ से एमसीक्यू आ जाते होते हैं। कल से हमने इनको रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक एक करके सबको कवर करना है कल। तो वाजपेयी ने विजिट किया, उसके बाद ही कारगिल वॉर शुरू हुई। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ इंडिया के ऊपर, इंडिया ने अपनी ट्रूप्स बॉर्डर एरियाज के पास भेजना शुरू कर दी और यूं जंग होने वाली थी, लेकिन बच बचाओ हो गया। मुशर्रफ ने जाके वाजपेयी से हाथ मिलाया किसी कॉन्फ्रेंस में, तब जाके इनके दरमियान जो आइस थी वो मेल्ट हो गई। ओके अब आगे की तरफ आते हैं। 2008 मुंबई अटैक्स, ये जानू वाला कौन है भाई? उसका नाम ही जानू है। आज का टॉपिक बताया तो है कि आज ये रिलेशंस करवा रहा हूं, नहीं नाम इसने जानू लिखा हुआ है यहाँ पे जूम के ऊपर। हाँ अजमल कसाब को बेसिकली उन्होंने अरेस्ट किया वहां से, और अजमल कसाब को कहा कि पाकिस्तानी, हमने कहा नहीं है पाकिस्तानी है तो कश्मीरी वगैरह है, ठीक है जी। लेकिन फिर हमारा एक प्राइम मिनिस्टर थे, उसने कहा हाँ जी हमारी गलती है ये वो। नहीं नाम नहीं लेना, वो सही कह रहे हैं, ठीक है जी। चुप कर जाओ यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ ले हमें बदनाम कर रहे। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। 2008 हो गए, 2011 में उरी अटैक हुआ। ये जो पाकिस्तान की थी, पाकिस्तान में जो लश्कर तैयबा, इनके ऊपर सिपा साबा जमात दावा, इनके ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए थे इन अटैक्स के। उरी अटैक 2011, ये कश्मीर का एक इलाका था, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, उड़ी का इलाका था। उन्होंने जाके कोई बम फोड़ दिया, इंडिया के बंदे मर गए फौजी, उन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगा दिया। 2016 में बुरहानुद्दीन वानी कश्मीर के अंदर, ही वाज अ फ्रीडम फाइटर,
उसको उन्होंने शहीद कर दिया। तो उसके बाद हालात और ख़राब हो गए। फिर 2019 की 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ। पुलवामा भी इंडिया के अंदर एक इलाका है। नीरज चावला, ये पाकिस्तान को डीप स्टेट हिलरी क्लिंटन ने कहा था, पाकिस्तान की तरफ उसने इशारा किया था डीप स्टेट के बारे में। ये बड़ा खतरनाक किस्म का वर्ड होता है। इसका मतलब ये होता है कि जहां पे मिलिट्री रूल कर रही हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ठीक है, जहां पे पॉलिसीज को डिवाइस करना, स्टेट के अफेयर्स को इनडायरेक्टली रन करना, ये वो, और सेफ हेवन वगैरह ये वो, उन्होंने इल्जाम लगाया था ना हमारे ऊपर बेसिकली। आगे चलते हैं। 14 फरवरी को पुलवामा अटैक हुआ और 27 फरवरी को ऑपरेशन हुआ स्विफ्ट रिटॉर्ट, अभिनंदन वाला स्विफ्ट रिटॉर्ट, SWIFT स्विफ्ट, RETORT रिटॉर्ट, 27 फरवरी 2019। नवंबर 2019 में करतारपुर कॉरिडोर का इफ्तिताह हुआ 19 में। यार रिलेशंस में तो होने हैं ना रिपीट। नवंबर करतारपुर कॉरिडोर। अच्छा एक एमसीक्यू देख लेना आप लोग, गूगल कर लेना, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। एम्बेसडर कौन है इस वक्त इंडिया में? पहले सुहेल महमूद था, अभी कोई और है शायद। हाँ अभी देख लेना कौन है। अब आते हैं हम, ये काफी है। ईरान के साथ आपको रिलेशंस और सऊदी अरब के साथ करने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब में ये कर लेंगे, 2006 में हमने उनके किंग सलमान को निशाने पाकिस्तान का अवार्ड दिया था। ईरान के साथ भी कुछ नहीं पूछता, पाक ईरान बॉर्डर की लेंथ पूछ लेगा, वो ज्योग्राफी में करवा दूंगा। हो गई है 909। अब आते हैं हम रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ। नहीं नहीं भी 7-8 मिनट रहते हैं, इनको तो पूरा कर लें। थकी भी गई हैं आप, थक भी गई हैं। ले मैंने 2 घंटे पहले लेक्चर दिया है इंटरव्यू वालों को, अभी दोबारा खड़ा हूं आपके सामने। जी हाँ, अभी तो सिर्फ आप यूएन ही करेंगे ना। अच्छा जब वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई थी ना जी, वर्ल्ड वॉर वन आपकी खत्म हुई है 1918 के अंदर, 1918 के अंदर। जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुई तो एक आइडिया दिया गया कि हम एक दुनिया के अंदर एक ऐसी लीग बनाते हैं जो कि दुनिया के अंदर जो जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करवाएगी और दुनिया के अंदर हार्मनी और पीस को प्रमोट करेगी। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे विच वुड बी मेंट फॉर एस्टेब्लिशिंग पीस अमंग डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है जी, और ट्रेड को प्रमोट वगैरह करेंगे। FDR उस वक्त अमेरिकन प्रेसिडेंट था, फ्रैंकलिन डिलानो, नहीं, नो नॉट FDR, इट वाज वुड्रो विल्सन, इट वाज वुड्रो विल्सन। FDR आया था 1929 में। तो ये वुड्रो विल्सन था जिसने 14 पॉइंट्स भी दिए थे, याद है, और वुड्रो विल्सन ने इसकी शदीद मुखालफत की थी और यूं लीग ऑफ नेशंस एस्टैब्लिश हुई थी 1920 के अंदर। क्या लीग ऑफ नेशंस वॉज इस्टैब्लिश्ड इन 1920, 16 जनवरी को हुई थी, और यूएसए ने इसको ज्वाइन नहीं किया था। यूएसए वॉज नॉट द पार्ट ऑफ लीग ऑफ नेशंस। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में रखा गया लीग ऑफ नेशंस का, 16 जनवरी को बनाई गई 1920 को। ठीक है जी, टोटल जो नंबर ऑफ मेंबर स्टेट थे वो 58 थे इनिशियली, 58। सर जेम्स एरिक डोरमंड इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी थे, जेम्स एरिक डोरमंड, DURMOND। इसको डिसॉल्व किया गया 20 अप्रैल 1947 को, 20 अप्रैल 1947 को दिस लीग ऑफ नेशंस वॉज डिसॉल्व। Why? Because
47 20 अप्रैल क्यों 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 इसको डिसॉल्व किया गया था? पीस को मेंटेन भी नहीं कर पाया, अमेरिका इसका मेंबर ही सबसे बड़ी पावर था इसका। तीसरी बात ये था कि वर्ल्ड वॉर वन को भी नहीं रोक पाई है, वर्ल्ड वॉर टू को भी नहीं रोक पाई, और अमेरिका भी इसका मेंबर नहीं था। ठीक है जी, हाँ जी कुछ बोला? जी जी बिल्कुल असली। इसकी तीन लैंग्वेजेस थी, इंग्लिश, फ्रेंच एंड स्पेनिश। कोई जानू है, कोई जुहाम है, कोई जनान है, ये चक्कर क्या है भाई? हैं ये ऑनलाइन वाले किस किस क्या क्या नाम रख देते हैं आप? डिसॉल्व कब हुई थी? 20 अप्रैल 1947 को हुई है। तीन, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश। अब आगे की तरफ आते हैं इसके इसके ना कि जो FDR था, अमेरिकन प्रेसिडेंट, चूंकि जो बंदा अमेरिका की ये खास बात है कि वो वॉर्स जीतता रहता है। ठीक है, अफगानिस्तान में आपको क्या लगता है वॉर नहीं जीता? जीता है अफगानिस्तान में, उसने रखा क्या है? ऑब्जेक्टिव उसने जितने भी थे वो सारे अचीव किए अफगानिस्तान में। ठीक है जी, चाहे वो वियतनाम वाली वॉर हो, चाहे वो ईरान इराक वाली वॉर हो, कोई भी वॉर हो, उसने अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए, वहां से निकल गया। बहुत बड़ी सुपर पावर है, आप उसको यू कैन नॉट चैलेंज हिम। वो दुनिया का चौधरी है, उसका हक बनता है कि वो जिस तरह चाहे वर्ल्ड ऑर्डर को प्रमोट कर सकता है, रख सकता है। ठीक है जी, अब हम आते हैं कि जब ये वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुई 1945 को, 6 अगस्त और 9 अगस्त को नागासाकी के अंदर और हिरोशिमा में दो बम फेंके गए थे, एक का नाम था लिटिल बॉय और फैट मैन। ये दो बम फेंके गए थे, इसके बाद जापानीज को सुकून आ गया था। वो फिर भी 6 महीने लड़ते रहते, जापानीज बड़ी तगड़ी कौम है, 4-5 महीने फिर भी मजीद लड़ते रहते जापानीज जो थे। FDR का ये आइडिया था, FDR ने 4 टर्म्स लिए, ही वाज द ओनली अमेरिकन प्रेसिडेंट हू टुक 4 टर्म्स, हू रिमेंड प्रेसिडेंट फॉर 4 टर्म्स, क्योंकि अमेरिका में तब आया था ग्रेट डिप्रेशन 1929 में, और 1939 तक ये रहा था पूरा एक डेकेड। ठीक है जी, तो ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक टर्मोइल आया था उनकी इंडस्ट्री के अंदर, अमेरिका के अंदर। तो फ्रैंकलिन डिलानो रूज़वेल्ट, FDR ने ये आइडिया थ्रो किया कि क्यों ना हमें लीग ऑफ नेशंस को खत्म करके एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना चाहिए जो कि दुनिया के अंदर पीस को इंश्योर करे, जो कि दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आए, दुनिया के अंदर कॉपरेशन बिल्ड हो कंट्रीज के दरमियान। FDR तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस के नाम से एक कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, अप्रैल से लेकर वो जून तक रही 1945 तक, सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को के अंदर यूनाइटेड नेशन के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई जून से लेकर अप्रैल तक 1945 तक, 5 की बात है। इसका जो चार्टर साइंड हुआ वो 26 जून 1945 को हुआ था यूनाइटेड नेशंस का, 26 जून 1945 को इसका चार्टर साइन हुआ था। 50 स्टेट्स ने ये चार्टर साइन किया था, 50 स्टेट्स ने, एंड दिस चार्टर वाज केम इनटू फोर्स ऑन 24 अक्टूबर 1945। कब ये फोर्स हुआ? 24 अक्टूबर 1945 को बकायदा तौर पे इस चार्टर को साइन कर लिया गया। देखिए ना, ऑर्गेनाइजेशन एक दिन में नहीं बनती, महीने लग जाते हैं, साल लग जाते हैं। इसके तीन पिलर्स बनाए गए जब ये उन्होंने कहा कि हम इसके तीन, अच्छा पहले तो देख लेंगे इसके जो जिसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो 193 हैं। यूएन के टोटल मेंबर्स कितने हैं जो रजिस्टर्ड स्टेट्स हैं? 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं उसके अलावा, और अलावा जो है एक है वेटिकन सिटी, और वेटिकन सिटी यानी कि हॉली स्टेट, और एक है जी आपका पैलेस्टाइन ऑब्जर्वर स्टेट्स। पैलेस्टाइन, ठीक है। इसके तीन पिलर्स थे, पहला पिलर था पीस एंड सिक्योरिटी, टू इंश्योर पीस एंड सिक्योरिटी नंबर वन,
193 और टू ऑब्जर्वर स्टेट्स जी, पहला पीस एंड सिक्योरिटी, दूसरा ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन और तीसरा म्यूचुअल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट हर साल सितंबर में यूएन का इजलास होता है, यूएन जनरल असेंबली का। यूएन के छह ऑर्गन्स हैं जी मेनली, एक यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन का सेक्रेटेरिएट जो यूएन की ब्यूरोक्रेसी कहलाता है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और ट्रस्टीशिप काउंसिल। हमने एक एक करके इनको डिटेल में पढ़ना है। जो यूएनजीए थी यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, इसका जो जनरल सेक्रेटरी होता है वो 5 साल के लिए इलेक्ट होता है, 2/3 मेजोरिटी लेकर आता है। और कितने साल के लिए इलेक्ट होता है? 5 साल के लिए। अभी जो है उसका नाम है अंटोनियो गुटरेस, अंटोनियो ANTONIO GUTTERS GUTTERS अंटोनियो गुटरेस। 2007 में आया था ये, 2017 में आया था जनवरी के। अभी ये चला गया होना मेरे ख्याल से, ये चला जाएगा अंटोनियो गुटरेस। ये पुर्तगाल का है मेरी जान, ये फ्रॉम पुर्तगीज, ये पुर्तगीज है, पुर्तगाल से है, ठीक है। इसकी टर्म होती है 5 साल जो सेक्रेटरी जनरल होता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट होता है उसकी टर्म होती है 1 साल, और जो जून 2021 में आया है उसका नाम है अब्दुल्ला शाहिद, अब्दुल्ला शाहिद, और ये कहां से है? मालदीव्स, ही इज फ्रॉम मुस्लिम कंट्री मालदीव्स, अब्दुल्ला शाहिद जो करंट प्रेसिडेंट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, इसकी टोटल 6 languages हैं, नंबर 1 इंग्लिश, स्पैनिश, फ्रेंच, अरबिक, रशियन, टूटा तो नहीं, एंड चाइनीज, सदका देना चाहते हैं, एंड चाइनीज, हाँ, तो इसकी टोटल 6 languages हैं, बाकी हम कल पढ़ेंगे। हमने इनको भी मजीद डिस्कस करना है एक एक करके, कि इलेक्शन का क्या तरीका कार होता है, ये करती क्या है हर, ठीक है जी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रोल होता है, जनरल असेंबली का क्या रोल होता है, आईसीजी, ये कल हमने इन सारी की सारी इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ना है। लिटिल बॉय एंड फैट मैन, ओके, ऑनलाइन वालों के कुछ सवाल है तो पूछे मुझसे। प्रेसिडेंट की टर्म 1 साल, सेक्रेटरी जनरल की 5 साल।